कॉफी दुबे उपस्थित हूँ आपके बीच लेकर एक अंतरराष्ट्रीय खबर जो बहुत दिनों से चर्चे में है। आखिर कब होगा इस युद्ध का अंत, जहाँ एक तरफ यूपी में चुनाव का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बम के गोले बरसा रहे, जिसकी कई देश निंदा कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी रूस हमला तेज करते हुए कई शहरों पर घातक बमबारी कर रहा है। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि रूसी सेना ने मरियुपोल शहर में 80 से अधिक लोगों को शरण देने वाले एक मस्जिद पर बमबारी की है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी बंदरगाह शहर मरियुपोल में एक मस्जिद है जहां 80 नागरिक शरण ले रहे थे, पर रूसी सेना ने गोलीबारी की। मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मरियुपोल में सुल्तान सुलेमान दक्षिणी मैग्निफिकेंट और उनकी पत्नी रोक्सोलान की मस्जिद पर रूसी आक्रमणकारियों ने गोलीबारी की है। तुर्की के नागरिकों सहित 80 से अधिक वयस्क और बच्चे वहां गोलीबारी से छिपे हुए। मरियुपोल एक सप्ताह से अधिक समय से घेराबंदी जारी है, लगातार बमबारी की रही है। शहर को रूसी सैनिकों द्वारा घेर लिया गया है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एक शीर्ष कार्यकारी ने कहा कि रणनीति बंदरगाह शहर में स्थित निराशजनक थी, जहां नागरिक भागने की सख्त कोशिश कर रहे थे। यहां पानी या गर्मी के बिना हालात खराब है, लोग भोजन के लिए भी तरस रहे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबे ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि रूसी सेनानी की घेराबंदी से मरियुपोल अब धरती पर सबसे भीषण मानवीय आपदा से जूझ रहा है। यहां 12 दिनों में 1582 नागरिक मारे गए हैं। शहर के एक बच्चों के अस्पताल पर बुधवार को हुए मिसाइल से हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया। ऐसे तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए फास्ट न्यूज इंडिया संग। न्यूज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।